कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे वाणी। वैसे ही हमारे इतने बड़े से इंद्रधनुषी से देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने के स्वाद भी बदलते रहते हैं। हर रीजन का, हर प्रदेश का अपना ही अलग स्वाद होता है। तो आज पंजाब के स्वाद आपके साथ शेयर करती हूँ एक पंजाबी थाली में। क्या आप जानते हैं वैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग थाली को एक संपूर्ण पोषण से भरा हुआ आहार माना गया है। क्यों वो भी बताती हूँ आपको और साथ ही साथ थाली भर के रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करती हूँ पंजाब वाली। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो किसी भी प्रदेश का जो खाना होता है ना वो सीजनल होता है, यानी कि जो भी मौसम में सब्जियां फल मिलते हैं ना उससे निर्भर होता है, लेकिन कुछ चीजें तो भाई कॉमन होती हैं। तो अब पंजाबी थाली में मैं तो आज ऐड करने जा रही हूँ छोले। आप चाहें तो अपनी पंजाबी थाली में राजमा, दाल मखनी और इसी के साथ साथ दाल फ्राई भी लगा सकते हैं, कढ़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज छोले पकेंगे। मैंने यहाँ पर छोले को भिगो करके रख दिया था तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, और जब वो अच्छे से फूल गए हैं मैं इन्हें प्रेशर कुकर में उबालने चढ़ाऊंगी। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी इसमें 2 टी बैग्स चाय पत्ती। अगर आपके पास ये टी बैग्स ना हो तो किसी भी मसलिन क्लॉथ में आप थोड़ी सी चाय पत्ती बांध करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड करूंगी इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, पानी, और ऐड करूंगी इसमें नमक। और अब इसमें कम से कम 7 या 8 सीटी लगा लेते हैं। इसका प्रेशर कम हो जाने देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें से ये जो टी बैग है ना इसे हम निकाल करके डिस्कार्ड कर देंगे। अब छोले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पहले अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल। गरम तेल में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जीरा और इसके साथ ऐड करूँगी चुटकी भर अजवाइन भी। छोले मसाला की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं ना तो मेरे YouTube चैनल पर आपको अमृतसरी छोले की रेसिपी मिल जाएगी। तो वहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन आपके साथ छोले मसाला की रेसिपी मैंने शेयर की है। पहले इस मसाले को हल्का सा मैं भून लेती हूँ जस्ट फॉर अबाउट 10 to 15 seconds, और उसके बाद ऐड कर दूंगी मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसको मॉइस्चर देगा जिसकी वजह से मेरे मसाले जलने से बचेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जितना आपको अच्छा लगे भाई उतना, और साथ ही साथ थोड़ा धनिया पाउडर भी। इसे फिर से स्टर कर दीजिए। इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन की जो वो कच्ची वाली स्मेल होती है ना वो नहीं चली जाती। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खाना बनाते वक्त आप अपने सेंसेस पर बहुत यकीन कीजिए, यानी कि जो आपकी नाक, आँख, हाथ, ये सब मदद करते हैं बढ़िया खाना बनाने में। तो जब इसके भूनने की आपको खुशबू आने लग जाएगी तब इसमें ऐड करेंगे हम अपने बॉईल किए हुए छोले। इन्हें स्टर कर दीजिए। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इमली का पल्प भी। मिक्स दिस इन। इसके बबाद ऐड करेंगे इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, कुछ जिंजर जूलियंस, और फिर से इसको एक बार स्टर कर दीजिए। जस्ट ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे कि जो इमली का पानी हमने ऐड किया ना इसमें वो पक जाए, और बस उसके बाद छोले तैयार। तो इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे एक बार इसका सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, इमली का पानी डाला है ना हमने इसलिए। अब पंजाबी थाली में छोले तो बन गए, और क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा पनीर। क्या बिना पनीर के कोई पंजाबी थाली कंप्लीट होगी? नहीं होगी ना। तो हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर और उसके साथ बनाएंगे आहा पंजाब स्पेशल बैगन का भरता, साथ ही साथ में आलू गोभी की सब्जी, वो भी एक टिपिकल पंजाबी स्टाइल में, और एक पुलाव। कौन सा पुलाव? ये है वड़ियों और मटर का पुलाव, जिसके लिए इस्तेमाल करूंगी मैं ये अमृतसरी वड़ियाँ। उड़द की दाल की वड़ी है ये, मूंग की दाल की वड़ी नहीं लेंगे।
तो इसको बस मैं थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ, क्रश कर ले रही हूँ। अपना पुलाव बनाएंगे हम देसी घी में। ऑफकोर्स आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब हो जाएगा गरम, ऐड करूँगी मैं इसमें एक तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा और कुछ दाने काली मिर्च के भी। इसके बाद ऐड करूँगी इसमें ये वड़ियाँ जो मैंने तोड़ करके रख ली हैं। इन वड़ियों को हल्का सा तल लेंगे ताकि ये और क्रिस्प हो जाएं। और वड़ियाँ जब हो जाएंगी गोल्डन, मैं ऐड करूँगी इसमें मटर के कुछ दाने। मटर को भी हल्का सा आप भून दीजिए। और अब इसमें ऐड करते हैं चावल, जिसे मैंने धो करके आधे घंटे से भिगो करके रखा हुआ है। मिक्स दिस इन और नमक ऐड करते हैं और साथ ही ऐड करते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी। कितना पानी होना चाहिए? जितना चावल आपने लिया है उसका दोगुना पानी, यानी कि अगर एक ग्लास मैंने चावल लिया है तो दो ग्लास पानी। इसके साथ स्वाद अनुसार डाल लीजिए नमक। अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका है नमक को टेस्ट करने का, ये देखने का कि आपके पुलाव में नमक बराबर है कि नहीं। इसे चला लीजिए और पानी को टेस्ट कीजिए। पानी अगर आपको हल्का सा नमकीन बढ़िया लगता है तो यानी कि इसमें नमक काफ़ी है। अब इसे कर देती हूँ मैं एक तरफ एक साइड पर और उबलने देती हूँ, तब तक कढ़ाई पनीर बना लिया जाए। अब कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो उसके लिए एक फ्रेश कढ़ाई मसाला भी बनाएंगे ना। काली मिर्च के दाने, जीरा, दो होल रेड चिलीज, और पहले इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। मसालों की भी बढ़िया सी भूनने की खुशबू आ गई है। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, ताकि इस पैन में जितनी हीट है ना उतनी हीट में ये कसूरी मेथी भी भून जाए। कसूरी मेथी भी भून गई। अब इसे निकाल लेते हैं अपनी मिक्सी के जार में और पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो मसाला भी रेडी हो गया कढ़ाई पनीर के लिए। कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो कढ़ाई में लेंगे ऑयल। ये ऑयल जब हो जाएगा गरम, पहले ऐड करूंगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, उसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज। इस प्याज को हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अनियन गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब ऐड करते हैं इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। इसे स्टर कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ वेरी नाइस कलर, थोड़ी सी हल्दी भी, धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक भी। इसे स्टर कर दीजिए। मसाले को बढ़िया से भून लेना बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई मसाला जब तक कायदे से भुनेगा नहीं ना, उसमें वो स्वाद ही नहीं आएगा, वो पंजाबी वाला स्वाद। और अब बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे पका लेंगे। तब तक जब तक टमाटर जो है पहले अपना पानी ना छोड़ दे, अच्छे से गल ना जाए, और उसके बाद मसाला जो है वो ना तेल छोड़ना शुरू कर दे। मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है बढ़िया से। मेरे पास है यहाँ पर थोड़ी सी रेडीमेड टोमेटो प्योरी, ये मैं ऐड करूँगी फॉर अ वेरी नाइस कलर। अगर आप ये रेडीमेड टोमेटो प्योरी ना ऐड करना चाहें तो इसकी जगह दो लाल टमाटर को बढ़िया से पीस करके फ्रेश प्योरी भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी स्टर कर दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो कढ़ाई मसाला हमने फ्रेश बना करके रखा था ना, ये फ्रेश वाला कढ़ाई मसाला। स्टर दिस इन, इसे थोड़ा सा भून जाने दीजिए। जब मसाले पे ऐसे तेल तैरने लग जाएगा, यानी कि मसाला तेल छोड़ चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन आधा कप पानी, पनीर के पीसेस। इसी के साथ मैंने कुछ शिमला मिर्च और प्याज को ट्रायंगल्स में कट करके रखा हुआ है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इन्हें सेपरेट आउट करके टमाटर अभी नहीं डालूंगी, टमाटर बाद में डालूंगी, नहीं तो टमाटर अभी एकदम पल्पी हो जाएगा। मिक्स दिस इन और अब इसे कवर करके हम पक जाने देते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि पनीर इन सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर ले। कढ़ाई पनीर भी डन। बस फाइनली इसके ऊपर एक बार फिर से मैं वो कढ़ाई मसाला स्प्रिंकल करूंगी एक फ्रेश फ्लेवर के लिए। थोड़ी कसूरी मेथी इस पे और ऐड करूंगी। अब गैस को करते हैं बंद
और ऐड कर देंगे इसमें ये टमेटो के पीसेस जो मैंने रिजर्व करके रखे हुए थे। एंड लेट्स गेट दिस आउट। एक नन्ही सी कढ़ाई में मेरा कढ़ाई पनीर भी हो गया रेडी। अच्छा, यहाँ पुलाव भी रेडी हो चुका है जिसे मैं बंद कर चुकी हूँ। तो पुलाव डन, कढ़ाई पनीर डन, छोले डन। अब आगे सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं और अब बन रहा है पंजाबी स्टाइल बैगन का भरता। तो पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, इस बैगन में ना छोटे छोटे से कट्स लगा दे रही हूँ, लाइक दिस। इन कट्स के बीच में मैं ये लहसुन की कलियाँ दबा दूंगी ताकि लहसुन भी ना बैगन के साथ अच्छे से भून जाएगा और देखिएगा तब उसके बाद इसका कितना बढ़िया टेस्ट आएगा। इस पे बाहर थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, इसका छिलका बहुत आसानी से उतर आएगा। तो जब तक मेरा बैगन भूनता है ना, तब तक मैं यहाँ प्याज भी भूनने के लिए चढ़ा देती हूँ फॉर माई बैगन का भरता। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ऑयल, और जब ये तेल हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे सबसे पहले तो इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बढ़िया सा गोल्डन कलर का भून लेना है। तब तक मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेती हूँ। बैगन को भी अच्छे से भून लीजिएगा जब तक कि इसका छिलका बाहर से पूरी तरह से जल नहीं जाता है और अंदर से भी ये कायदे से पक नहीं जाता है। प्याज भी देखिए गोल्डन होने लग गया है, ये देखिए। और अब ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अदरक लहसुन को अच्छे से पक जाने दीजिए। बैगन भी अच्छे से भून चुका है। अब मैं क्या करूंगी, बोल में मैं पहले ले लूंगी थोड़ा सा पानी और फिर इसमें रिमूव करूंगी मैं ये बैगन। इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि स्टीम की वजह से ये जो बैगन का छिलका है ना वो बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जब ये भी बढ़िया से भून जाएं, इनकी आ जाए एक अच्छी सी खुशबू, तब ऐड करते हैं हम इसमें नमक और लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च कौन सी? कश्मीरी लाल मिर्च फॉर अ लवली कलर, और साथ में नमक स्वाद के अनुसार। और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ढेर सारे टमाटर। तो मेरा रेशियो ये रहता है कि मैं जितना प्याज लेती हूँ ना उसका कम से कम 1.5 गुना तो मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। और अब इस टमाटर को पक जाने देते हैं। तो चलिए भाई, जब तक टमाटर पकता है आपके साथ शेयर करती हूँ सीक्रेट क्यों माना जाता है हमारी हिंदुस्तानी थाली को एक संपूर्ण आहार। अब देखिए, आयुर्वेदा के हिसाब से खाने में होते हैं 6 रस, जिनमें सबसे पहले है मधुर रस यानी कि मीठा। और ये मीठा आपको अपने मिठाई के टुकड़े से ही नहीं मिलता, आपके प्लेट में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और चावल से भी मिलता है। दूसरा रस होता है आम्ल रस यानी कि सार, खट्टापन, जो ऑफ कोर्स आप दही से, टमाटर से, इमली के यूज से मिलता है आपको। तीसरा रस होता है लावण्य यानी कि सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है। अब चौथा रस होता है कटु यानी कि पंजेंट, ये लिवर और बाइल इन सब को कंट्रोल करने में, इन सब को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। अगला रस होता है तिक्त रस यानी कि बिटर, और ये आपके बॉडी से टॉक्सिक्स को निकालने में मदद करता है। और अगला रस होता है कस्य, ये क्या करता है, आपके ब्लड को प्योरिफाई करता है और ब्लड का हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे रस हमारी थाली में मौजूद होते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जियों में, वो थोड़ा सा जो अचार आप थाली में रखते हैं ना उसका भी अपना महत्व है। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कड़वाहट वाली कोई सब्जी, जैसे करेले की सब्जी हुई या मेथी का छौंका खाने में दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है। तो हर खाने की थोड़ी थोड़ी मात्रा जैसे रिक्वायर्ड वैसे हम इसमें ऐड करते हैं। तो भाई, हिंदुस्तानी थाली कंप्लीट मील है, ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है। तो देखिए, बातें करते करते मसाला भी कितने बढ़िया से भून गया, ये देखिए। जब तक ये मसाला इतने अच्छे से भुनेगा नहीं ना, आपके बैगन के भरते में कोई स्वाद नहीं आएगा।
और अब ऐड करना है हमें इसमें बैगन। बैगन जिसे पानी में भिगो करके मैंने रख लिया था, इसे मैं पील कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी इजीली अब पील भी हो जाएगा। एक फोक के हेल्प से पहले तो मैं बैगन को मैश कर देती हूँ। और इसी के साथ साथ ये भुना हुआ जो मेरे पास लहसुन है, इसको भी मैश कर दूंगी। दिस डन। इसे ऐड करते हैं हम अपने कढ़ाई में और इसे बढ़िया से भून लेते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी हरी मटर भी ऐड कर रही हूँ। अगेन दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, लेकिन भरते में थोड़ी सी हरी मटर ना बहुत बढ़िया लगती है। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम भून लेंगे, या तब तक जब तक बैगन का भरता जो है तेल नहीं छोड़ देता। बैगन का भरता भी रेडी हो चुका है, इसे सर्व कर लिया जाए। अगली सब्जी बन रही है आलू गोभी की, और इसके लिए पहले मैंने आलूओं को छील लिया है और इसे मैं वेजेस में कट कर लूंगी। इसी तरह से गोभी के भी मैंने फूल तोड़ के रख लिए हैं। अच्छा, अब आलू गोभी बनाने के लिए ना पहले मैं आलू को और गोभी को फ्राई करके निकाल लूंगी ताकि ये क्रिस्प बने। जब तक यहाँ तेल गरम होता है आलू और गोभी को फ्राई करने के लिए, तब तक एक पैन में मैं अपने मसाले की तैयारी शुरू कर देती हूँ, जिसके लिए मैं लूंगी यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और एक प्याज को मैं लंबा लंबा काट लेती हूँ। जब तेल हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा को चटक जाने देंगे। अब इसमें ऐड करते हैं हम स्लाइस्ड अनियन। अनियन को स्टर कर लीजिए। 2-3 हरी मिर्च भी मैं लंबी लंबी स्लेट कर ले रही हूँ, और ये हरी मिर्च भी मैं अनियन में ऐड कर दे रही हूँ। तब तक मेरे पास यहाँ पर ये तेल भी गर्म हो चुका है, और अब इस गर्म तेल में आलू ऐड कर दिया जाए फ्राई करने के लिए। टमाटर को भी मैं लंबा लंबा काट ले रही हूँ। अनियन को स्टर कर दिया है मैंने, अनियन गोल्डन होने लग गया है, और इसी के साथ इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़े से जिंजर जूलियंस भी। आलू जब हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा, मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। घी में अगर आप नमक ऐड कर देंगे ना, तो जानते क्या होगा, नमक आलू के अंदर तक बैठ जाएगा और ये जल्दी पक भी जाएगा, यानी कि आलू जल्दी गल जाएगा। और अब यहाँ बाकी के मसाले ऐड कर लिए जाएं, जिनमें मैं ऐड कर रही हूँ पहले तो भाई हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसे भी स्टर करते हैं और ऐड करते हैं इसमें अब ये स्लाइस किया हुआ टमेटो। स्टर दिस इन, और मसाला थोड़ा सा भुन जाने देते हैं टमाटर के साथ। आलू फ्राई हो चुका है, आलू निकाल लिया जाए, और अब इस ऑयल में ऐड कर दूंगी गोभी फ्राई करने के लिए, और इसे भी क्रिस्प करके हम निकाल लेते हैं। गोभी भी जब हो जाएगी गोल्डन और गल जाएगी, इसे मैं निकाल लेती हूँ। आलू गोभी बनाने का ये तरीका ना मेरी बीजी यानी कि मेरी दादी का है। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो इसे फ्राई ना भी करें, लेकिन फ्राई करने से इसमें जो क्रिस्पनेस आती है ना, उसकी बात ही कुछ और। अब सबको मिक्स करके टॉस कर लेते हैं। अपने पैन का मसाला ले लिया है मैंने अपनी कढ़ाई में, और इसमें ऐड करूंगी ये फ्राई किए हुए आलू, इसी के साथ ये फ्राई की हुई गोभी भी। इन्हें अच्छे से टॉस कर लीजिए, और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मुझे लगता है शायद मेरी दादी ऑलमोस्ट एवरीथिंग में डालती थी। इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप पका लीजिए ताकि आलू और गोभी में आ जाए बढ़िया सा फ्लेवर सारे मसालों का। फिर थोड़ी सी धनिया डालते हैं इसमें काट करके। टॉप करेंगे इसे थोड़े से गरम मसाले के साथ, एंड इट इज रेडी टू कम आउट ऑन माय प्लेट। तो छोले डन, बैगन का भरता डन, आलू गोभी की सब्जी डन, वड़ियों वाला पुलाव डन, और अब क्या करना है, बस खाने को सर्व करना है एक थाली में। सैलेड, अचार, और साथ ही साथ में ये है हमारा मटर और वड़ियों वाला पुलाव। बूंदी का रायता मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है। कुछ तंदूरी रोटियां निकाल ली हैं, और ये है एक स्पेशल चटनी जो इमली के पानी में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, मिर्च, धनिया, काला नमक डालकर बनती है।
तो ये भी डन। और लीजिए भाई, हो गई रेडी हमारी पंजाबी थाली। लेकिन इसका स्वाद लेने से पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी डिशेज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज पंजाब का स्वाद आपके घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा।